हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, डायग्राम आपको पीछे एक दिख रहा है, आज मैं पढ़ाने वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमारा टॉपिक चलने वाला है। तो टॉपिक लिख देते हैं हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे, और एक बेसिक समझ आपको देने की कोशिश करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ पानी का फ्लो होता है। आपने डेली लाइफ में कहीं भी देखा होगा, अगर आप ऐसे फ्लैट सरफेस पे वाटर रखते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू फ्लो, लेकिन आप अगर ऐसे सरफेस को थोड़ा सा उसको डिफरेंस दे देंगे, हाइट डिफरेंस दे देंगे, एक तरफ ऊंचा कर देंगे एक तरफ नीचा, तो वाटर फ्लो करना शुरू कर देता है ऊंचे से नीचे की तरफ को। तो हमने कहा कि जैसे हम वाटर के फ्लो की बात कर रहे हैं कि वो हाई से लो की तरफ को वाटर का फ्लो हो रहा है, उसी तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं वाटर के फ्लो के साथ साथ, जैसे वाटर फ्लो होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है। जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया हुआ था तो पोटेंशियल में टॉपिक डिस्कस किया हुआ था कि पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज फ्लो करता है। तो अगर हम दो बॉडीज हैं उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसमें से हम एक को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं, एक को हम लोग लो पोटेंशियल पे रखते हैं, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो चार्ज अगर हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है तो मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं तो दो कंडक्टर हमने लिए हुए हैं, एक है कंडक्टर ए और एक है कंडक्टर आपका बी। तो ये दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हमने एक थिन वायर से जोड़ा हुआ है, ये थिन वायर है। सपोज इसके पास चार्ज आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू वन है और यहाँ पे प्लस क्यू टू है। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल वाले की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज कितना है, Q2 है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप ऐसे अपने डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल ले लो, आप एक बॉक्स जैसा, मतलब ऐसे दो बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, दो आप इस तरीके के बर्तन बना लो। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके के दो बर्तन आपने बना लिए, इनमें इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी इतना सा है, थोड़ा सा पानी है, ठीक है, इसमें पानी और ज्यादा बना दो। अब आपने एक पाइप से इसको जोड़ दिया, इसको यहां से यहां जोड़ दिया है, तो पानी का फ्लो यहां से यहां होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ज्यादा है इसमें कम है, तो ये हाई पे हो गया लो पे हो गया। बच्चों पानी फ्लो होगा, कब तक पानी फ्लो होगा? जब तक दोनों का वॉटर इक्वल नहीं हो जाता। अगर मैं इसको प्रॉपर प्रोसेस में, सेल्फ प्रोसेस में छोड़ देता हूं तो यहां तक पानी जाएगा। पानी का फ्लो तब तक होने वाला है जब तक कि दोनों का अमाउंट ऑफ वाटर, अगर इसको बड़ा छोटा भी बनाता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक वाटर का फ्लो होगा जब तक दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर आपका इक्वल नहीं हो जाता। तो हम कह रहे हैं कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम वन वन टू अदर। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो जाता है। इसी तरीके से हमने कहा कि अगर हम ये दो कंडक्टर्स को, जिनका कैपेसिटेंस मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इन दोनों को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। गलती से भी आपको चार्ज नहीं बोलना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोल देंगे कि भाई चार्ज इक्वल होगा, तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द चार्ज, हमको चार्ज की बात नहीं करनी है, हम लोग बच्चों बात कर रहे होते हैं पोटेंशियल की। हमें देखना है पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो वो पोटेंशियल जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसे हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोल देंगे। मीन्स एट दैट टाइम पोटेंशियल ऑफ दिस विल बी वी एंड ऑफ दिस विल ऑल्सो बी वी। इनिशियली दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आपको फॉर्मूला पता है क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे क्यू वन इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 और क्यू टू इक्वल टू हो जाएगा C2 V2।
इसमें लिख लेंगे लेट अस टेक टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2, इनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, कॉमा चार्ज Q1 and Q2, सब कुछ लिख देता हूं यहां पे, देखो चार्ज Q1, Q2 एंड पोटेंशियल्स V1 and V2, तो क्या हो जाएगा, सो जो आपके पास Q1 है वो C1 V1 हो जाएगा और Q2 जो होगा वो C2 V2 हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इसके बाद खुद से लिख लो, मैं ऐसे बोल देता हूं जल्दी से, आप लोग इसको लिख लेंगे खुद से, तो हम लिखेंगे इसके बाद आगे को लिखना है आपने। अगर आप बहुत ज्यादा लेंदी, अगर आपने नोट्स बनाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कैसे नोट्स बनाऊं कि जिसको कॉपी को देख के मैं कभी भी कॉपी खोल के दोबारा से देखूं तो मुझे बातें समझ में आ जाए आसानी से, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अगर लिखते हैं तो वो अच्छी बात है, मतलब उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए, उससे फायदा ये होता है कि हाँ अगर मैं CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत हमें कंसाइज लिखना होता है, हम इतनी कहानी नहीं लिख सकते हैं, बट राइटिंग इन अ पेपर एंड मेकिंग योर नोट्स इज डिफरेंट। आपको अपने नोट्स बनाते वक्त अगर आप चीजों को एक्सप्लोर करके लिखते हैं पढ़ते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहती हैं। सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होता है, हाँ ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको समझ समझ के पढ़ेंगे तो एट द एंड आपको बहुत छोटा सा लगेगा कि हाँ यार कुछ भी नहीं है, सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही है। वो तब होगा जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ते। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे, अब मैं पहले ऐसे समझा देता हूँ लिखवाने के, कि जब मैं दोनों को एक थिन वायर से कनेक्ट करवाऊंगा तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसमें लिखिए व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टर्स चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर एट हाई पोटेंशियल टू अ कंडक्टर एट लो पोटेंशियल until the potential of both the conductors becomes same. This potential is called common potential. उस potential को हम लोग common potential कहते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब यहां ध्यान दीजिए, आपने देखना है common potential, फिर लिखिए as charge is additive. तो यहां ध्यान दीजिए, इस पे एक पे चार्ज कितना है Q1, एक पे कितना है Q2, और टोटल चार्ज कितना होगा। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके पास 100 था, इसके पास 20 था, टोटल हो गया 120। फ्लो होगा कब तक, जब इसके पास सपोज एग्जांपल के लिए 100 चार्ज था, यहाँ पे 20 था, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ 60 यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों टोटल चार्ज तो आपका 120 रहने वाला है ना, 60+60 अगर मैं करने वाला हूँ, 60+60 दैट इज गोइंग टू बी 120। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो टोटल चार्ज है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, Q = Q1+Q2 और टोटल कैपेसिटेंस, अगर टोटल कैपेसिटेंस की बात करूंगा तो C = C1+C2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे बात कर लेते हैं भाई कॉमन पोटेंशियल की बात, अगर मैं करता हूं कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉमन पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट कर देते हैं, Q/C होता है, Q की जगह कितना है Q1+Q2 और C की जगह कितना है C1+C2, तो ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया। कॉमन पोटेंशियल कब आएगा, जब इसमें से चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो जाएगा, वो कब होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपका कितना, V = Q1+Q2 / C1+C2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते, देखो Q1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिखी थी हमने C1V1 और यहाँ C2V2,
तो इसकी जगह C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. This is very important relation. We are going to use this relation. बाद में हम लोग derivation के next part के अंदर हम लोग अभी इसको use करेंगे common potential के formula को. ठीक है? तो common potential आ गया आपका V. अब आप कह रहे हैं कि अगर क्या बोल रहे देखिए आप. If after redistribution of charges, हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग लिखिए, मैं बोल देता हूं. If after redistribution of charges, charge on first capacitor या first conductor is Q1 dash. Redistribution के बाद इसके पास Q1 dash हो गया है, इसके पास Q2 dash हो गया है. Charge on first conductor is Q1 dash and on the second one is Q2 dash. तो Q1 dash और Q2 dash क्या होंगे देखिए, मैं लिख देता हूं. चलिए आप कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों देखिए, आपने बोला कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास चार्जेस इसके पास Q1 डैश और Q2 डैश होंगे, तो आपने क्या बोला, जो Q1 डैश है इसका कैपेसिटेंस C1, जब हमने बोला कि हम इनको कनेक्ट कर देते हैं और फ्लो होना बंद हो जाएगा बाद में, तो इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल भी, तो Q1 = Q1 dash C1V और Q2 dash C2V हो गया. तो यहां से आगे को क्या हो जाएगा, अगर आप बात करते हैं Q1 dash upon Q2 dash की बात करते हैं, तो वो C1V upon C2V हो जाएगा. V से V कैंसिल हो गया तो C1 upon C2. ये आपने देखा कि अगर हम बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इसमें चार्जेस होंगे, उन चार्जेस का जो रेशियो है वो बराबर होगा इनके कैपेसिटेंस के रेशियो के. तो चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा. एग्जाम में ये आपको ड्राइव करने के लिए आ सकता है. सो दैट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है. Q1 dash upon Q2 dash is equal to C1 upon C2. इसमें आता है देखो बच्चों, एक टॉपिक आपके साथ और पूछा जाता है, loss of energy in redistribution of charges. ये नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया इसी के अंदर, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. अगर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का लॉस क्या होगा, इसको आपको पूछा जाता है. ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, हाफ सी वी स्क्वायर, जैसे आपको पता है. तो हम क्या करेंगे, इनिशियल निकाल देते हैं एनर्जी और फिर हम लोग फाइनल एनर्जी निकाल देंगे. तो हम लोग क्या बोलते हैं देखिए, अब सारी की सारी कहानी यही है. तो यहां पे देखते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, इसको UI बोल देता हूं. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन UI हो गया. ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, क्या होगा देखो, कनेक्शन से पहले हाफ सी बी स्क्वायर होता है, इसके पास C1 है. कनेक्शन से पहले जब ये कनेक्ट नहीं हुआ था तो इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसके पास पोटेंशियल V1 था, तो हाफ C1V1 स्क्वायर. इसके बाद क्या था, C2 और यहां पे V2 था, प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर. तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कनेक्शन से पहले इसकी हाफ C1V1 स्क्वायर थी और इसकी हाफ C2V2 स्क्वायर थी. तो टोटल जो एनर्जी की बात करेंगे वो दोनों का सम हो जाएगा. अगर हमने आफ्टर कनेक्शन की बात करें, आफ्टर कनेक्शन, अब जब बच्चों इसको कनेक्ट कर दिया था हम लोगों ने अभी इस डेरिवेशन में, तो इसके पास पोटेंशियल V हो गया था, इसके पास भी पोटेंशियल V हो गया. तो UF मीन्स फाइनल एनर्जी, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर. ठीक है, हाफ C1 प्लस C2 और यहां पे आप लिख सकते हैं V स्क्वायर. अब अभी मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले पार्ट में कि भाई जो V की वैल्यू है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग इसको यूज करेंगे. अभी क्या आ रही थी वो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. अगर आपको याद है तो मैंने ये लिखवाया था अभी आपको और बोला भी था कि दिस इज इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द डेरिवेशन. तो आपने बोला
कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपकी एनर्जी ये है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी एनर्जी ये है, आप इसको अब सॉल्व करना है डेरिवेशन को, तो वही इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी वन प्लस सी टू स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हाफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू एफ। ये पोटेंशियल एनर्जी की आपकी फाइनल वैल्यू हो गई और ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई। तो अब अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, लॉस की बात अगर आप करते हैं लॉस इक्वल टू हो जाएगा आपका यू आई माइनस यू एफ, ठीक है। अपने यू आई इनिशियल वाले में से फाइनल को माइनस कर देना, ऑब्वियस ही बात है अगर लॉस हो रहा है तो पहले ज्यादा होगी बाद में कम हो रही होगी वैल्यू, तो हाफ हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो आपने इसको डेरिवेशन को इस तरीके से लेकर के फिर आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा आगे देखिए, इसमें से हम लोग हाफ कॉमन ले लेते हैं और सी वन प्लस सी टू भी कॉमन ले सकते हैं, उसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाकी फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर आप हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। और पूरे में से हाफ कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पे बन जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा देखिए सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। तो यहां से आगे को हम लोग क्या करते हैं देखिए, अब आप इसको हाफ ले लीजिए, यहाँ पे आपने सी वन प्लस सी टू अपने एलसीएम ले लेना है, इधर क्या कर देंगे देखो सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका सी वन प्लस सी टू का सी वन प्लस सी टू, और बच्चों यहाँ पे माइनस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हाफ सी वन प्लस सी टू तो आप लोग बाहर ले लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर सी वन के साथ मल्टीप्लाई करो पहले खाली सी वन सी टू और यहाँ पे वी टू स्क्वायर सी वन से मल्टीप्लाई करो प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और यहाँ पे वी टू स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो होगा क्या सी वन वी वन स्क्वायर से सी वन वी वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सी टू वी टू स्क्वायर से सी टू वी टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ और यहाँ पे आ जाएगा सी वन प्लस सी टू इधर क्या बच जा रहा है देखो सी वन सी टू और यहाँ पे वी टू स्क्वायर प्लस सी वन सी टू और यहाँ पे वी वन स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू और यहाँ पे वी वन वी टू, इस तरीके की आपकी ये फॉर्म बच जाएगी। अब इस फॉर्म में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं देखो हर टर्म के साथ तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रही है दैट इज सी वन सी टू हर टर्म के साथ कॉमन दिख रहा है तो हाफ सी वन प्लस सी टू तो अपॉन में आ जाएगा और आपने यहां पे ले लेना है कॉमन क्या सी वन सी टू तो यहां क्या जाएगा आपका देखो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या अगर आप छोटा सा बचा हुआ लास्ट पोर्शन बस आप इसको देख लीजिए तो ये आ जाएगा आपका हाफ सी वन प्लस सी टू और यहां सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर तो ये आपका हो गया लॉस। इसको नोट करिए जल्दी से लॉस तो इस लॉस को आप लोग जब नोट करने वाले तो देखिए क्या हो रहा है देखिए अब आपने लॉस निकाल दिया देखो C1 कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव रहता तो C1 C2 पॉजिटिव ये C1 प्लस C2 पॉजिटिव आएगा और V1 माइनस V2 सपोज V2 ग्रेटर भी है तो नेगेटिव में आएगा लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो मतलब द लॉस ऑफ एनर्जी
loss of energy is positive. Loss of energy is positive. Loss of energy positive है क्यों? क्योंकि इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव टर्म आएगा. तो हम कह रहे हैं इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर विल बी ऑलवेज, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी. वो लॉस ऑफ एनर्जी अगर मुझसे कोई पूछता है कैसे होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि जो वायर बीच में मैंने कनेक्ट करी है वो वायर कुछ ना कुछ एनर्जी को लॉस कर देगी. जैसे हमने यहाँ पे भी दो बनाए हुए थे, ये बनाया हुआ था और यहाँ पे हमने दूसरा बनाया हुआ था, तो इनके बीच में कनेक्टिंग वायर थी. तो हम कह रहे हैं कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा तो एनर्जी का लॉस जरूर होगा. वो क्यों होगा? क्योंकि ये वायर ने जो वायर कनेक्ट करेंगे इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है. तो ये हमारा टॉपिक हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगला पढ़ेंगे हम लोग.